everyone, welcome to Inspired Warriors. So let's start today's lecture. आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज SDG, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो क्या टॉपिक है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सस्टेनेबल जो वर्ड है वो आया कहाँ से है एंड सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है. हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा. अगर बात करें 1983 की, कहाँ की बात करी जा रही है, 1983 की बात करी जा रही है. उस टाइम पे एक कमीशन बना जिसका नाम था ब्रेटलैंड कमीशन. ये जो ब्रेटलैंड कमीशन ऑफ 1983, इस कमीशन के अंडर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है वो निकल के आती है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है या इसका डेफिनेशन कहाँ से आता है, यू विल आंसर दैट ब्रेटलैंड कमीशन ऑफ 1983. ओके, ब्रेटलैंड कमीशन की अगर बात करें, देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेन करना. मतलब कोई चीज़ है उसको आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई भी रिसोर्स है आपके पास. अब रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स होता है कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, उसे बोलते हैं रिसोर्स. अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको अच्छे से या जुडिशियस यूज़ कर सकते हो रिसोर्स का. तो सस्टेनेबल वर्ड का क्या मतलब है, सस्टेन करना, एक चीज़ को, एक रिसोर्स को काफ़ी टाइम तक जो है यूज़ करना. सस्टेनेबल का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो उसका ये है कि हम कोई भी जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो हमें उस रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करें कि हम तो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं बट हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी कुछ रिसोर्स जो हैं हम छोड़ जाएँ कि वो भी जो है अपना जो दिनचर्या है या कुछ भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. ठीक है, तो सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि जो हमारा प्रेजेंट में जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, नीड्स जो हैं, हमारी ज़रूरतें हैं प्रेजेंट की, वो तो हम जो है नीड को पूरी करें अपनी बट हम कॉम्प्रोमाइज ना करें. ठीक है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उनकी जो डिमांड्स होगी, उनकी जो नीड्स होगी, हम उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. तो ये था कंसेप्ट सस्टेनेबल का. ठीक है, और सस्टेनेबल को डेवलपमेंट कैसे करना, डेवलप कैसे करना, वो हम सारे इन गोल्स में देखने वाले हैं. ओके, अब अगर मैं आपको बताऊं दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या SDG से पहले जो बॉडी थी वो कौन थी, वो थी MDG. इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDG जो थी इसके अंडर 8 गोल्स थे. ठीक है, और ये जो गोल्स थे ये 2015 में एंड हो गए हैं. ये था सब आपका बैकग्राउंड. ठीक है, अब हम बात करते हैं SDG की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका. टोटल है 17 गोल्स, और ये सारे जितने भी 17 गोल्स हैं ये सारे ही इंटरलिंक्ड हैं. इंटरलिंक से मतलब क्या समझते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो तो दूसरी या तीसरी या चौथी चीज़ पे अफेक्ट पड़ेगा. अगर आप एक चीज़ कर रहे हो जो उसका अफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो दूसरी चीज़ों पे भी पड़ेगा. इसलिए जो 17 गोल्स हैं SDG के अंडर इंटरलिंक्ड हैं. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो गोल्स हैं SDG, ये कब बनाए गए थे, 2015 में. अभी मैंने आपको बताया कि जो MDG थे वो 2015 में एंड हो गए और उसको रिप्लेस किया है SDG ने. कब शुरू हुआ है, 2015 में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसको बनाया किसने था, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उन्होंने बनाए थे ये गोल्स. और इन गोल्स का टारगेट क्या है, देखिए 2015 में स्टार्ट हुए हैं. क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो टारगेट कहां तक है, तो टारगेट है 2030 से. इसका मतलब 15 साल के पीरियड में ये जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है. और मिशन क्या है इन गोल्स का, कि एक ब्लूप्रिंट, मतलब कि एक जो माइंड मैप है, एक नटशेल में जो है समराइज वे में अचीव करना बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर. जो हमारा फ्यूचर होगा या हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी आने वाली, उनके लिए एक सिक्योर फ्यूचर छोड़ के जाना, ये जो गोल है, ये जो ऑब्जेक्टिव है इन 17 गोल्स. ठीक है, और इनको सबको हमने, इन गोल्स को कब तक अचीव करना है, 2030 तक. ओके, अब हम बात करते हैं इन 17 गोल्स की. देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये जो गोल्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं. पहले अगर SDG, ये जो नंबरिंग की गई है ये ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम लिखा हुआ, ये बिल्कुल नंबर एज इट इज़ है 17 गोल्स. तो आपको इसी तरह से पढ़ना होता है इनको. ओके, सबसे पहला जो SDG है वो है नो पॉवर्टी, मतलब कि जो गरीबी है अगर उसको हम हटाएंगे, गरीबी नहीं रहेगी तो जो सेकेंड गोल है, देखिए इसके साथ ही इंटरलिंक्ड है, अगर गरीबी ही नहीं रहेगी तो हंगर भी नहीं रहेगी, भुखमरी नहीं रहेगी. अगर भुखमरी नहीं रहेगी तो इसका मतलब हेल्थ
हेल्थ और जो स्वास्थ्य होगा वो दोनों ही अच्छा चलेगा। अगर हेल्थ और स्वास्थ्य दोनों अच्छा चल रहा है तो लोगों के पास जब हेल्थ भी है, खाना भी है, तो ऑब्वियसली वो अपने पैसे कहाँ खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 आ जाएगा क्वालिटी एजुकेशन का। अब जब एजुकेशन आ गया, लोग जो है उनको जो पढ़ाई मिल रही है वो पढ़े लिखे हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, तो इसका मतलब जो जेंडर की इक्वालिटी है वो आएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा लड़की और लड़के में, मैन एंड वुमेन में, ठीक है। तो एजुकेशन से जेंडर इक्वालिटी आएगी। जब इक्वालिटी आएगी लोगों में, ये इतनी सूझबूझ होगी कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको एजुकेशन मिल रही है, तो वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, सफाई और पानी का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जब सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तब हम देखेंगे कि हम जो ऐसी एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम कोल यूज़ करते थे पहले, अब जो कोल हम यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जो है निकल के आते हैं। अब हम इस तरह से किसी एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए जो रिन्यूएबल हो, मतलब जो कि हमें रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम वापस से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोल जो है वो तो नॉन रिन्यूएबल में आ गया, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल में आ गया, वो नहीं आएंगे वापस, क्योंकि उनको हज़ारों साल लगते हैं बनने में। तो आप देख रहे हो हर एक चीज़ जो है लिंक्ड है। तो क्लीन एनर्जी मिल गई। अब जब क्लीन एनर्जी मिल गई, सब अच्छा चल रहा है, तो डिसेंट सा वर्क हमारे पास और इकोनॉमी की जो है ग्रोथ भी हो। उसके बाद इंडस्ट्रीज, जब ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रीज, इनोवेटिव आइडियाज, जिसको इनोवेशन बोलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे। जब ये सब हो रहा है तो ये जो रिड्यूस होगी इनइक्वालिटी, जो देशों में, जो लोगों में जो इनइक्वालिटी का भाव है, ठीक है, वो जो है कम होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब इक्वलिटी आ जाएगी लोगों में, इनइक्वालिटी खत्म हो रही है, तो सस्टेनेबल सिटीज आएंगी, ठीक है, और कम्युनिटी सस्टेनेबल बनेगी और सिटी सस्टेनेबल बनेंगी। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अच्छे से लोग जो है प्रोडक्शन करेंगे चीज़ों का, कंज्यूमर जो है कंजम्पशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद ये है क्लाइमेट एक्शन। अब आप देख रहे हो, जब इतना कुछ हो गया, हमारे पास सब कुछ आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, हमारे पास लिटरेसी आ रही है, हमारे पास अच्छी हेल्थ आ रही है, इक्वलिटी आ रही है, इनइक्वलिटी रिड्यूस हो रही है, तब हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अब जो हम क्लाइमेट गंदा कर रहे थे, हमें उसको भी सुधारना है। सो नेक्स्ट आएगा आपका क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद आता है, क्लाइमेट को तो देख लिया, अब जब पानी के जीव जंतु हैं, लाइफ बिलो वाटर, हमें अब उनको भी ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं न्यूज़ में थोड़े दिन पहले देख रही थी कि एक व्हेल मछली के पेट से जो है कुछ टन जो है प्लास्टिक जो निकला है। तो आप देख रहे हो कि जो वाटर है वो किस तरह से हम वाटर को भी पोल्यूट करे जा रहे हैं, और जो वाटर में लहरे वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम किस तरह से हर्ट कर रहे हैं। सो ये बनता है ज़रूरी कि हम लाइफ बिलो वाटर में भी, हम उनको लाइफ को भी ध्यान में रखें। उसके बाद आता है लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पे लैंड पे जो लाइफ है उनको देखें। उसके बाद इतना कुछ आ गया, अब हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। मतलब ग्लोबल लेवल पे भी हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जो लोगों की बातों को सुने, जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देख रेख करें। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब ये जितने भी गोल्स हैं हमारे 16, उनको जो गोल है देखता है कि हाउ टू अचीव, हाउ वी विल अचीव ऑल दीज 16 गोल्स दैट आर मेंशन इन गोल नंबर 17, कि जितने भी गोल्स हमने डिस्कस किए हैं कि उन गोल्स को किस तरह से अचीव कर पाएंगे, वो दिया है गोल नंबर 17 में, ठीक है। तो ये जो सारे थे आपके 17 गोल थे, SDG, और SDG से पहले कौन सी बॉडी थी, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और इनका टारगेट था SDG का 2015 में आई थी, और किसके अंडर आई थी, ब्रटलैंड कमीशन जो 1983 का था। 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है इसे अचीव करने का। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या चांसेस होते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस आने के, वो मैं आपको टिक करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको पॉवर्टी का याद होना चाहिए, 0 हंगर SDG 2, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी, उसके बाद 6 नंबर सैनिटेशन, उसके बाद आपको याद करना है क्लाइमेट एक्शन गोल नंबर 13, नेक्स्ट जो है आपको 10 वाला इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, बिलो वाटर, ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, ये आपको जो है मैक्सिमम जो चीज़ें मैंने जो आपको टिक करवाई हैं अभी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो आप ये देख लेना, एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो देखिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने आपको बताया कि ये जनरल असेंबली होती है यूनाइटेड नेशन की, वो डिसाइड किए हैं उसने। अब अगर आप पूछो
कि ये तो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हुई हैं, हमारी कंट्री में जो है, इंडिया में जो है, वो कौन देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अचीव किए जा रहे हैं 17 या नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये डिस्कस करता है, ये देखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया में जो है वो अचीव किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। नीति आयोग एक इंडेक्स निकालता है जिसको बोलते हैं SDG इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इस इंडेक्स के तहत जितनी भी स्टेट्स का जो भी रैंक होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स जो लिखवाए हैं मैंने आपको 16, उनका जो है रैंकिंग की जाती है। वो कौन करता है इंडिया में? SDG इंडेक्स कौन देता है? नीति आयोग। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।